अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमर खिताब आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ और वो टॉपिक एमसीक्यूज़ है जो बेसिक फिलासफी से लिए गए हैं। ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ एनटीएस, ईटा, एसएस, प्रिंसिपल्स और दूसरे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एमसीक्यूज़ दिए गए हैं और एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने के बाद हर एक एमसीक्यूज़ के आखिर में इसका जवाब दिया गया है। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स इसको पिकअप करेंगे, इन जवाबात को आसानी से। इस सिलसिले में पहला एमसीक्यू है, हु इज़ द ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ आइडियलिज्म? नंबर ए अरिस्टोटल, नंबर बी हर्बर्ट, नंबर सी जॉन डीवी और नंबर डी प्लेटो। थोड़ा सा टाइम है, आप जवाब पिकअप कीजिएगा और फिर थोड़ी देर के बाद नीचे दिए गए जवाब के साथ मैच कीजिएगा जो दिया गया है। ठीक ऑप्शन है डी, यानी प्लेटो। दूसरा एमसीक्यू है, विच वन पीयर ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर इज द ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ आइडियलिज्म? नंबर वन प्लेटो अरिस्टोटल, नंबर बी प्लेटो स्पिनोजा, नंबर सी प्लेटो ब्रॉडी, नंबर डी प्लेटो ब्रेमेल्ड। तो जवाब ढूंढ लीजिएगा थोड़ी देर के बाद, नीचे ठीक जवाब देख लीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, प्लेटो स्पिनोजा। तीसरा एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, नंबर वन मैटर प्रायर टू माइंड, नंबर बी माइंड प्रायर टू मैटर, नंबर सी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आर रियलिटी, नंबर डी चेंज इज द अल्टीमेट रियलिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन है माइंड प्रायर टू मैटर, माइंड प्रायर टू मैटर इसका करेक्ट ऑप्शन है। चौथा आइटम है, मेंस नॉलेज इज लिमिटेड टू द ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ, नंबर ए आइडियलिज्म, नंबर बी रियलिज्म, नंबर सी प्रैग्मेटिज्म, नंबर डी प्रोग्रेसिविज्म। जवाब सोच समझ के ढूंढ लीजिएगा, पिकअप कीजिए करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोग्रेसिविज्म। पांचवा आइटम है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर्स वाज ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ रियलिज्म? नंबर वन प्लेटो हर्बर्ट, नंबर सी अरिस्टोटल, नंबर डी जॉन डीवी। तो क्या जवाब होगा सोच लीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, जो अरिस्टोटल है। अरिस्टोटल रियलिज्म का बहुत बड़ा सपोर्टर था। सिक्स आइटम है, विच पीयर ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ रियलिज्म? नंबर वन अरिस्टोटल प्लेटो, नंबर बी अरिस्टोटल ब्रॉडी, नंबर सी अरिस्टोटल विलियम जेम्स और नंबर डी अरिस्टोटल जॉन डीवी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा अरिस्टोटल ब्रॉडी। ये दोनों रियलिज्म के बहुत बड़े सपोर्टर्स थे और इसके बाद और भी बहुत से फिलॉसफर आ गए जो रियलिज्म को सपोर्ट करते रहे। सातवां आइटम है, मैटर प्रायर टू माइंड इज द फिलॉसफी ऑफ, नंबर वन आइडियलिज्म, नंबर बी रियलिज्म, नंबर सी प्रैग्मेटिज्म, नंबर डी पेरेलिनियज्म।
तो ठीक ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बी है जो रियलिज्म है। रियलिज्म के मुताबिक माइंड मैटर इज प्रायर टू माइंड। आठवां एमसीक्यू है नॉलेज इज गेन्ड थ्रू माइंड एंड सेंसेस इज द फिलॉसफी ऑफ पेरेनियलिज्म। नंबर बी प्रैग्मेटिज्म, नंबर सी प्रोग्रेसिविज्म, नंबर डी रिकंस्ट्रक्शनिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पेरेनियलिज्म। पेरेनियलिज्म के मुताबिक नॉलेज इज गेन्ड थ्रू माइंड एंड सेंसेस, हवा से खमजा और जहनी लेवल के लिहाज से हासिल की जाए। नॉलेज इज वर्च्यू, दिस डिस्क्रिप्शन इज ऑफ द ग्रेट फिलॉसफर। नंबर वन सोक्रेट्स, नंबर बी प्लेटो, नंबर सी अरिस्टॉटल, नंबर डी डिस्कॉट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सोक्रेट्स। सोक्रेट्स के मुताबिक नॉलेज इज वर्च्यू। दसवां एमसीक्यूज है मॉडरेशन डिटरमाइंड बाय रीजन, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोक्रेट्स, नंबर बी प्लेटो, नंबर सी अरिस्टॉटल, नंबर डी ब्रॉडी। जवाब पिकअप कीजिएगा, करेक्ट जवाब ढूंढ लीजिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अरिस्टॉटल। अरिस्टॉटल के मुताबिक मॉडरेशन डिटरमाइंड बाय रीजन। इस सिलसिले में अगला एमसीक्यू है हु प्रेजेंटेड फोर आइडल्स ऑफ माइंड। नंबर ए फ्रांसिस बेकन, नंबर बी विलियम जेम्स, नंबर सी जॉन डेवी, नंबर डी चार्ल्स पियर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रांसिस बेकन है। ट्वेल्थ एमसीक्यूज़ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव आइडियलिस्टिक अप्रोच। नंबर ए पेरेनियलिज्म, नंबर बी प्रोग्रेसिविज्म, नंबर सी एसेंशियलिज्म, नंबर डी रियलिज्म। इसका ठीक ऑप्शन डी है जो रियलिज्म है। बाकी ये ए बी और सी ये किसी न किसी तरह इसका अप्रोच आइडियलिस्टिक है। 13 नंबर पर है दिस यूनिवर्स इज सेल्फ एग्जिस्टेंस एंड नॉट क्रिएटेड, दिस प्रेज इज अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म। नंबर बी नेचुरलिज्म, नंबर सी रियलिज्म, नंबर डी प्रैग्मेटिज्म।
तो इसका ठीक ऑप्शन ऑप्शन बी है, करेक्ट ऑप्शन बी है जो नेचुरलिज्म है। 14 नंबर पे हैं, हु इज़ द ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म, ब्रॉडी, जॉन डीवी, रूसो और नंबर डी डिस्कॉट। तो इसका ठीक ऑप्शन है रूसो, रूसो इसका ठीक ऑप्शन है। और रूसो के मुताबिक हु इज़ द ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म, वो कह रहे हैं कि ये दुनिया खुद ब खुद पैदा हो चुकी है रूसो के मुताबिक। और लास्ट नंबर पे हैं, द स्टडी ऑफ बीइंग ट्रूथ एंड रियलिटी बिहाइंड दिस अपेरेंट वर्ल्ड इज एथिक्स एंड लॉजिक, नंबर बी ऑन्टोलॉजी, नंबर सी एपिस्टेमोलॉजी, नंबर डी एक्सियोलॉजी। तो जवाब ढूंढ लीजिएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑन्टोलॉजी है, जिसको मेटाफिजिक्स भी कहा जाता है। और इसके मुताबिक द स्टडी ऑफ बीइंग ट्रूथ एंड रियलिटी बिहाइंड दिस अपेरेंट वर्ल्ड इज ऑन्टोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस किस्म के बहुत से एमसीक्यूज है जो आसानी से आ सकते हैं, लेकिन इसके स्टडी करने का एक आसान सा और मुफीद सा तरीका है जो लॉजिक है, ऑन द राइट ट्रैक पर है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में उस पर बात। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।